मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में कई जगहों पर अलग अलग मौसम प्रणालियां एक्टिव हैं। इसकी वजह से कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है, इससे मॉनसून को और गति मिलेगी। पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एक ट्रफ लाइन कलिंगपट्टनम, जैसलमेर, राजनांदगांव, कोटा गुना और नरसिंहपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक दिखाई दे रही है। गुजरात से केरल के बीच भी एक ट्रफ लाइन जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि सौराष्ट्र में चक्रवात बनने के आसार हैं। इन सब की वजह से प्रदेश में जबरदस्त बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मुरैना, उज्जैन, श्योपुर, शाजापुर, आगर, मालवा, खंडवा, राजगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और खरगोन में भारी बारिश होगी, जबकि जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। पूरे प्रदेश में छुटपुट पानी गिरता रहेगा। देखेंगे अभी ट्रफ लाइन कोटा, सागर और पेंड्रा रोड होती हुई गुजर रही है। इसके दक्षिणी भागों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश की स्थिति बनी हुई है। बीते 24 घंटे की बात करें, अभी जो आंकड़े प्राप्त हुए उसमें सीहोर में 90 mm, आष्टा में दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में भी 90 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई। अगले 24 घंटे की बात करें तो 6 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है, जो है अपने खंड सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, श्योपुरकला और मुरैना, जहां पर रेनफॉल 115 mm से लेकर 204 mm तक हो सकती है। उसके अलावा 7 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट दिया गया है, जो 64 mm से लेकर 115 mm तक हो सकती है। लगभग इसमें विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेष बारिश के आसार अच्छे बने हुए हैं। वहीं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पर अभी तापमान बढ़े हुए हैं। छतरपुर में कम से कम 39.2, बीजावर में दर्ज किया गया है, वहां पर भी बारिश की स्थिति में थोड़ा सा अभाव रहेगा नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश की स्थिति बनी हुई है। और लोकल भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी मिला जुला असर रहेगा। सुबह के टाइम कम हो सकता है, लेकिन दोपहर और शाम तो अच्छी खासी बारिश हो सकती है भोपाल में भी।